हरे कृष्णा स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी यूनिवर्सिटी प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल अगर मेरी आवाज क्लियरली सबको आ रही है प्लीज गिव मी अ अप सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास न सी दैट ओके आई एम ऑडेबल ओके गुड मॉर्निंग में हम लोग देखने वाले हैं कि लर्निंग थ्योरीज को कैसे इजिली याद किया जाए लर्निंग थ्योरीज बहुत सारी हैं ठीक है ठीके? आपको पेपर uh, वन में स्पेशली बहुत सारी थ्योरीज बहुत सारे मॉडल्स पढ़ने को आएंगे अब उन मॉडल्स को उन थ्योरीज को कैसे याद करना है क्योंकि हमारे पास दिन अब कुछ ही बचे हैं आई होप सबने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स है यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है सबने फिल कर दिया है तो अब डेट आ गई है

आप सेक्शन में जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के के नाम से के नाम से से सारी क्लासेस मिल मिल जाएंगी जाएंगी कम्युनिकेशन वापस और अभी हम आईसीटी स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग करेंगे तो वो सारी क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएंगी ओके okay? तो चलिए थ्योरी से स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरी जो हमने देखी थी वो थी जीन प्याजे थ्योरी ठीक है अब ये जीन प्याजे ने चार स्टेजेस दिया था सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको किस तरीके से याद करना है सबसे आसान तरीका थ्योरीज याद करने का जैसे जैसे बताती जा रही हूँ वैसे वैसे, वैसे फॉलो करेंगे और हर एक थ्योरी में आप सेम तरीके से ही याद करेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहली थ्योरी अपनी लिख लेती हूँ जीन प्याजिस ठीक है इन्होंने क्या दिया था इन्होंने दी थी स्टेजेस स्टेजेस किसकी कोग्नेटिव डेवलपमेंट की इन्होंने क्या दिया था जीन प्याजे ने स्टेजेस दी थी हमको डेवलपमेंट की अब वो स्टेजेस कौन कौन सी थी पहली स्टेज क्या थी बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ पहली स्टेज क्या थी देख लो सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अब इसको याद कैसे करना है ठीक है अब देखो यहाँ पे ना की ढूंढने की कोशिश करो सबसे पहले क्या दे रखा है टू टू वाले जो के बच्चे होते हैं वो आते हैं आपके प्री ऑपरेशन सेंसरी मोटर में यहाँ पे होता है ट्रायल एंड एरर मेथड मोटर एक्टिविटी होती है लुकिंग टचिंग से और यहाँ पे बच्चों को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की समझ आने लगती है बहुत बेसिक समझ यहाँ पे आने लगती है ठीक है अब इसी को हम यहाँ पे कीवर्ड्स में लिख लेंगे ये हो गया आपका सेंसरी मोटर कि इसमें छह महीने से दो साल तक के बच्चे आते हैं और साथ में क्या है मोटर एक्टिविटी कैसे होती है सेंस ऑर्गन्स के द्वारा होती है सूंग के देख के टच करके फील करके ये इनकी जो है जो हमारी पांच सेंसेस है ना टेस्ट करके ये सारी सेंसेस से है यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी करते हैं क्लियर है बात बताओ यस और नो इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे दूसरी स्टेज पे यहाँ तक सबको क्लियर है मुझे बताओ यस या नो चैट बॉक्स में इसी तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने फिर हम आते हैं प्री ऑपरेशनल में प्री ऑपरेशनल में क्या बोला है दो से सात साल के बच्चे हैं ठीक है ठीके? सिंबॉलिक थॉट है मतलब सिंबॉलिक सिंबल्स की वजह से बच्चे समझते हैं इगो सेंट्रिक होते हैं और यहाँ पे एक ही चीज पे फोकस होता है बच्चों का तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अब इगो इगोसेंट्रिक, क्योंकि ये वर्ड मैंने क्यों लिखवाया है बिकॉज ये आपके पीवाई क्यू में पूछा गया था इगो से लेके आपका पीवाई क्यू बना था इसीलिए मैंने यहां ये ऐसा लिखा है ठीक है इगो हो गया और यहाँ से लर्निंग कैसे हो रही है बच्चों की लर्निंग हो रही है सिंबल्स के साथ ठीक है तो हमने आप प्री ऑपरेशनल का भी कीवर्ड्स बना लिए क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर है बेटा लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हो बाकी क्योंकि हिंदी के अंदर भी ये जो है ना सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल ये एज इट इज आपको याद करना रहेगा नाम एज इट इज याद करने रहेंगे अब बाकी को आप हिंदी में कैसे लिखते हो वो आपके ऊपर है देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है तो आप यहां से थोड़ा आइडिया ले सकते हो ईगो को बोला है अहंकार पूर्ण सिंबोलिक थॉट को बोला है प्रतीकात्मक विचार तो आप ये हिंदी में लिख लो आपके हिसाब से ठीक है हिंदी के नोट्स हैं यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख लीजिए और यही नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि एक लव्य बैच है हमारा जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं ठीक है उसके अंदर ये हिंदी इंग्लिश सारे नोट्लीट नोट पीवाई क्यू के साथ साथ आपको आपको मिलते हैं टॉपिक वाइज के साथ। और अगर आपको एक लव्य कोर्स नहीं लेना है अब बच्चों के दिमाग में ख्याल भी आ रहे हैं कि अरे अब तो एक महीना है आप क्या करेंगे अभी ही टाइम है लेने का ठीक है चलो नहीं भी लेना कोई बात नहीं अगर आपको सिर्फ रिविजन भी करना है ठीक है आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है कि रिवीजन हो जाए हमारा फटाफट से हमको जल्दी चीजें समझ आ जाए तो उसके लिए हमारा फतेह बैच हमने लॉन्च किया है

मैम ले लिया कोर्स वेरी गुड शिवराज बहुत अच्छा चलिए मिलेंगे आपसे अपनी यूनिवर्सिटी पे अपनी यूनिवर्सिटी का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो वहां पे सारे बैचेस की आपको मिल जाएगी okay. तो प्री ऑपरेशनल और सेकेंड स्टेज हम कर चुके हैं अब हम आते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल अब कंक्रीट ऑपरेशन में देखो सेम उसी तरीके से लिखना है पर यहां पे कीवर्ड क्या है सात से ग्यारह वर्ष के बच्चे ओके okay? यहाँ पे बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है और एक्सटर्नल वर्ड इनको पता चल जाता है और ये एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ पाते हैं और इंडक्टिव रीजनिंग ये जो जितने भी मैंने पॉइंट सर्कल किए है न, है ना ये आपके ठीक से आपको अपने नोट्स बनाने हैं ये जो नोट्स है इन्हीं से हमको कीवर्ड्स निकालने हैं और वही कीवर्ड आपको ध्यान रखने क्योंकि इन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पे आपसे पीवाई पूछे गए थे जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराया था आपने देखा भी होगा कि जो भी प्रीवियस ईयर करवाए हैं, वो वहीं से करवाए हुए हैं ठीक है तो ये जो की ये आपके आएंगे तो अब आप, आपको क्या करना है कि सेम जैसा आपने ये लिखा था ना, आप ये तीनों जो वर्ड्स है ये चारों जो की है ये आप लिख लेंगे हिंदी में है तो हिंदी में भी है यहाँ पे ओके

ठीक है है ये जो है ना और ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबस्ट्रेक्ट ये भी एक वर्ड है जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है बेटा ये वाली जो चीजें है ना ये मैंने हिंदी में डिटेल में पढ़ा रखी है आज की क्लास में मैं आपको लर्निंग थ्योरीज नहीं पढ़ा रही हूँ मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपको थ्योरीज याद करनी कैसे है अब वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अपना अपना सेम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं बस एक जना इंग्लिश में लिखेगा आप हिंदी में लिखेंगे ठीक है यस सचिन राइट हाँ बेटा हिंदी में मैं ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब पे मुझसे पढ़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए वहां हिंदी में मैंने पढ़ा रखा है आज की क्लास का जो मोटिव है वो आपको ये थ्योरीज पढ़ाना नहीं है इन थ्योरीज को याद कैसे करना है आपको वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ बात को समझिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पून फीडिंग वाली एक्सपेक्टेशन मत रखिए हालांकि मैं वही कर रही हूँ

जो मेरे खुद के नोट्स है ना मेरे सब्जेक्ट टू, पेपर टू के भी एंड पेपर वन के भी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बना रखे है और मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ाई करी है कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं इसीलिए मैं बोल रही हूँ समझिए मेरी बात को मैं सिर्फ आपको आज की क्लास में तरीका बता रही हूँ क्योंकि अब हाई टाइम आ गया है आपको पता होगा ये भी नया नोटिफिकेशन आया है कि जो आपका यूजीसी नेट का जो पेपर है ना उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं पहला बदलाव तो आपको बताइए कि अब जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा

ठीक है क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यहां पे ये गलतियां बिल्कुल नहीं चलेंगी ओ एम आर शीट के अंदर मान लीजिए जैसे आपकी ये ओ एम आर शीट ठीक है यहां पे ऐसे चार सर्कल होते हैं आपका ना ये आंसर तब माना जाएगा जब आप इसे पूरा इस तरीके से फिल कर लोगे

क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप जब पे, पूरे पेपर को वापस लास्ट में रिवाइज करें तब आपको गलतियां रियलाइज हो है ना क्योंकि तब कुछ भी नहीं हो सकता एक बार शीट भर दी तो भर दी कंप्यूटर वाले में ये फायदा था कि आप है ना जब चाहे अपने ऑप्शन बदल भी सकते थे पर ओ शीट के अंदर ये फायदा आपको नहीं मिलता है तो एक तो इस चीज का ध्यान रखना है दूसरा बेटा मैं ये शॉर्ट नोट वगैरह इतना सब आपको क्यों बता रही हूँ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि जो बच्चे ग्रेजुएशन डिग्री परस्यू कर रहे हैं चार साल की वो भी अब नेट का पेपर दे सकते हैं पहले क्या था कि जो मास्टर्स वाले बच्चे हैं सिर्फ वो देंगे नेट का पेपर पर जो फोर ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी जो अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं हैं वो आपका नेट का पेपर दे सकते हैं। अब सोच लो कि ये जब से विंडो खुली है कितने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा होगा अगर हम पिछले एग्जाम की बात करें दिसंबर की बात करें तो साढ़े दस लाख बच्चे थे और मुझे ही लगता है कि इस बार अगर नंबर ये कोई भी कम होने वाला है बल्कि बढ़ेगा ही और बहुत ज्यादा हद तक बढ़ेगा तो कॉम्पिटिशन तो बहुत ज्यादा है

मैं आपको पढ़ा रही हूँ उससे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा मैं आपको पढ़ा रही हूँ और, और मैंने जैसा अपनी पुरानी वीडियो में ही बताया था रखो एफ का ही जे से नीचे तो अपन ने बात ही नहीं करनी अपने दिमाग में आइडिया भी नहीं लेके आना है यस मौसमी एकदम सही आप आंसर्स को श्योर करके फिर ही उसमें फिल करना

PYQs के साथ करवाया है हर टॉपिक के PYQ आपको मिलेंगे YouTube के ऊपर मेरे करवाए हुए सारे तो बेटा वो वीडियोस रेफर करो पर साथ-साथ उनको जब आप देख रहे हो ना तो साथ-साथ में -साथ अपने नोट्स बनाते जाओ और नोट्स कैसे बनाने वो मैंने अभी आपको दिखाया ठीक है ऊपर हेडिंग लिखो नीचे पॉइंट्स के अंदर उनके बारे में लिखो और पॉइंट्स में भी सिर्फ कीवर्ड लिखने हैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है क्या लिखना है सिर्फ कीवर्ड

मैम पांच पांच के सेट में क्वेश्चन सॉल्व करके फॉर्म फिल करें या सारे साथ में सॉल्व करके लास्ट में फिल करें ऑलवेज राइट गाइडेंस थैंक यू नंदिता और भी आ, बेटा आप ये कर सकते हो कि आ, जैसे आपको अगर आपने ना अभी तक मॉक पेपर लगाए होंगे है ना आई बिलीव एक दो पेपर तो आपने लगाए होंगे आपको पता चल गया है कि आपको कितना टाइम लग रहा है जैसे मेरा मेरा तरीका क्या रहता था ना कि मैं पेपर करती हूँ ना मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ ठीक है मैंने जैसे पढ़ा क्वेश्चन मुझे लग गया मैंने कर देती थी मेरी स्पीड अच्छी है क्वेश्चन सॉल्व करने की

अगर इतने मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज आपने नहीं लगाई है तो बेटा आप पांच पांच केन्सर करते जाओ और आंसर करते जाओ पर यह बात ध्यान रखना कि जहां पे भी के सवाल है या डी आई के सवाल है या फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा बहुत श्योरिटी हो तभी आंसर मार्क करना क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपकी हर बार गड़बड़ होगी ही होगी है ना रिवाइज करते टाइम लगेगा अरे नहीं क्या पता इसका आंसर ऑप्शन बी हो और मैंने ए कर दिया हो ठीक है

मैं आपको पढ़ाती अगर आपको कोर्स कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करो उसमें आपको नंबर्स मिल जाएंगे कस्टमर केयर वाले ठीक है उन उनपे कॉल करो वो आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे कि कैसे क्लासेस होंगी क्या टोकन अमाउंट रहेगा क्या, लाइव क्लासेस कैसे कैसे होंगे आपको ऐप आप कैसे चलाना है सब चीजें वो आपको समझाएंगे विजन विन मैम आपको समझाने का तरीका बहुत अच्छा है आपका समझ आ जाता है एक बार में चलो थैंक यू थैंक यू हाँ, बेटा क्रैश कोर्स का ना जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो बेटा अपनी यूनिवर्सिटी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो और वहां से आप एक बार ले सकते हो ठीक है वो ऐप वगैरह पे कोई भी इशू होगा ना तो वो आपको वहां पे अच्छे से गाइड कर पाएंगे ठीक है हाँ तो चलो अपन एक और थ्योरी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए अभी देख रहे हो इतने सारे सवाल मैंने सब कुछ एक लव्य बैच के अंदर करवाया हुआ है अब देखो ये थी बी एफ स्कैनर की थ्योरी

इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है अब हम इसको कैसे लिखेंगे इसको आपने लिखना है बी एफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इसमें इन्होंने क्या कहा है इफ एकदम सरल भाषा में लिखो एकदम सरल कि जब रिवीजन के टाइम पढ़ो ना ऐसे आपको याद हो जाए ऐसे आपको समझ आ जाए बात मैम जेरे वालों ने भी फर्स्ट टाइम एक सेकंड मोहन मैं इसका भी आपका डाउट क्लियर करती हूँ रुको अब यहाँ पे देखो मैं क्या करती थी ना मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिखती थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि फुल फॉर्म लिखूं मुझे पता था कि भाई ये मेरे शॉर्ट फॉर्म्स हैं तो मुझे तो समझ आएंगे ही। तो पॉजिटिव को जैसे मैं ऐसे लिख दिया प्लस और बी की आप भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हो अपने हिसाब से जो आपको समझ आते हो ठीक है तो मैंने लिखा है इफ रिजल्ट पॉजिटिव एक्शन इज रिपीटेड ठीक है और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है If result negative, action is not repeated. अब जितने हिंदी वाले बच्चे हैं ना वो मुझे बताओ कि क्या ये बेसिक लाइन समझने में आपको कोई तकलीफ आ रही है सच्ची से बताना एकदम दिल पे हाथ रख के बताना ऐसा नहीं कि नहीं मैम हमको तो हिंदी में ही सब समझ आता है वो वाला माइंड सेट हटा के सिर्फ इतना मुझे बताओ कि जो मैंने लिखा है कि रिजल्ट इफ रिजल्ट पॉजिटिव एक्शन इज रिपीटेड क्या इतनी लाइन समझ आ रही है तुमको और मुझे पता है आएगी समझ में है ना तो इस तरीके से आप लिख सकते हो बेटा मैं इंग्लिश में क्यों लिख रही हूँ मुझे लगता है कि मैं हिंदी में इतना शॉर्ट नहीं लिख पाऊंगी जहां मुझे लगता है कि मैं हिंदी में शॉर्ट लिख सकती हूँ जैसे जब मैं फैलीसीज पढ़ती थी तो मैंने फैलीसीज हिंदी में लिखी थी क्योंकि मुझे वो लगता था हिंदी में ज्यादा अच्छे से मुझे समझ आएगी ठीक है या मैं डायग्राम्स बना लेती थी इस तरीके से मुझे ज्यादा समझ आएगी ठीक है तो आपको जैसे समझ आता है, आप वैसा यहाँ पे लिख सकते हो गया है तो फिर क्यों फिल करना है नो मैम बहुत है। हाँ, देखा मैंने कहा था है। हर को इसी तरीके से अब बताओ बी एफ की थ्योरी क्या दिक्कत है मुझे बताओ हो गई भाई दो, दो में क्लियर हो गई सारे नोट आपने ऐसे ही बनाने हैं बेटा अगर दिसंबर में एफ हो गया है तो आपको फॉर्म फिल करने की नहीं है ठीक है हो तो लिया होगा और पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आपको यूजीसी का फॉर्म फिल करना पड़ता है वेबसाइट पर जाके एंड उसके बाद आपका जी का जो अमाउंट है वो हर महीने आता रहता है वो शुरू हो जाता है आना ठीक है

इतना टाइम है तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए? फॉर्म भरते टाइम बहुत ध्यान से फॉर्म भरना सारी डिटेल्स को पांच पांच बार चेक कर लेना अपना आईडी, अपनी एप्लीकेशन नंबर, अपने पासवर्ड ये सारे एक जगह पे लिख के रख लो बार 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 ये दिक्कतें नहीं आनी चाहिए बेटा कैटेगरी ओके कैटेगरी वो तीन ऑप्शन है, है ना कैटेगरी के जैसे इस बार ना आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे एक है पीएचडी ओनली जो ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए है कि अगर आपने सिर्फ इस पर किया तो अगर आपका स्कोर इस वाली कट ऑफ के हिसाब से आता है तो आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हो विदाउट गिविंग एंट्रेंस एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम नहीं देना देना है है आपको आपको सिर्फ इंटरव्यू तो ये विदाउटी का फॉर्म है फिर आएगा आपका नेट कि जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे और आप पीएचडी भी ये दोनों भी हो जाएगा आपको जो बेटा फिल करना है ना वो ये वाला करना है जे आप जैसे इसके ऊपर टिक करोगे ये तीनों ऑटोमेटिकली टिक हो जाएंगे मतलब अगर मान लो कि आपके जो परसेंटेज है वो आई 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 है है? है है. ठीक और और हम यहाँ पे ले लेते हैं है 62, 64 और 66. मान लो ये है. तो क्योंकि आई है तो आप क्वालिफाइड हो पी एच डी के लिए भी क्वालिफाइड हो आप जाके किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो अपना इंटरव्यू दो और आप एडमिशन ले लोग

ठीक है जैसे 100 में से इधर आप 80 80 मार्क्स लेके आ गए तो वहां भी आपको जो है 200 में से उतना ही मेहनत करके मार्क्स अपने लाने हैं ताकि आपका जारफ क्लियर हो जाए ठीक है डिसेंट स्कोर है ये पेपर वन के हिसाब से एजुकेशन सब्जेक्ट से सिनॉपसिस कैसे बनाएं बेटा एजुकेशन मेरा पेपर 2 एजुकेशन नहीं था तो उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती मेरा पेपर 2 मैनेजमेंट था उसके बारे में आप पूछोगे तो मैं बता दूंगी इसी में प्रॉब्लम हो रही थी हां तो मैंने बता दिया ना बेटा ऐसे करना है अगर जे की एज नहीं हो तो सिर्फ दो फिल करना होगा नेट देखो अगर आप एज आपकी जे से बाहर चली गई है है ना की एज लिमिट से आप बाहर हो हो गए तो अगर आप तीनों पे क्लिक करते हो सिंपल कॉमन सेंस की बात समझना अगर आपने तीनों पे टिक किया है ना और आपने जे मान लो आपका क्लियर भी हो गया आप जैसे ही फॉर्म भरोगे यूजीसी पे जाके वो आपका फॉर्म काट देंगे क्यों क्योंकि आपकी एज लिमिट ज्यादा हो गई है जे से अब आपको जे नहीं मिलेगा तो चाहे आपने क्वालिफाई भी कर लिया हो जस्ट बिकॉज़ आपकी एज लिमिट पार हो गई है आपका वो फॉर्म काट देंगे कि इनको पैसा नहीं देना है बट अब आप सोचो आपको ये फिल करना है या नहीं अभी आपके ऊपर है आपका क्या स्कोर था मैम जेआरएफ की एज क्या है आई थिंक जेआरएफ की एज 30 है मेरे हिसाब से 30 है मेरा स्कोर पेपर 1 में आई थिंक हिसाब से होगा एट्टी के आसपास ही था मेरा स्कोर भी एग्जैक्टली uh, exactly तो मुझे याद नहीं है बट हाँ इसी रेंज में ही होगा आई गेस इसी रेंज में ही था मेरा स्कोर जे आर एफ की आई थिंक थर्टी है एज लिमिट आई थिंक थर्टी है मैं श्योरिटी से नहीं कह रही हूँ इसके लिए मुझे भी एक बार चेक करना पड़ेगा आ, मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि जे आर एफ के लिए कितनी एज लिमिट है बट जहां तक मुझे ध्यान है जो लास्ट मेरे को ध्यान था वो है थर्टी थर्टी एज

st scs obcs इनके लिए थोड़ी थोड़ी लिमिट बढ़ा दी जाती है बट जो जनरल कैटेगरी के लिए जो नॉर्मल एज है आई थिंक दैट इज 30 ओनली सारे डाउट क्लियर हो गए ओके 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 थैंक यू 21 इयर्स इज एलिजिबल फॉर जर्फ़ यस आई थिंक हाँ, आई थिंक जर्फ़ की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है मेरे हिसाब से जर्फ़ की मैक्सिमम लिमिट है अगर आप फोर ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में हो या फिर अगर आप अपने मास्टर्स के लास्ट ईयर में हो तो आप जो है नेट का एग्जाम दे सकते हो और उसमें आप जे के लिए भी अप्लाई करो ठीक है अपनी एजुकेशन अब देखो ये एकदम बेसिक सवाल है पर चलो अच्छा है अभी यहाँ पे पूछ लो तो डाउट क्लियर होते जाएंगे और फॉर्म के लिए ना ऐसा वेट मत करना कि अच्छा दस मई तक डेट है तो ठीक है हम पांच मई को फॉर्म भरेंगे नहीं जितना जल्दी हो फॉर्म भर दो तुम्हें तो नहीं पता कब साइट पे इतना ट्रैफिक आ जाए कि साइट क्रैश होने लग जाए और ये ये बहुत बार हुआ है ये है है ठीक सबको पता साइट क्रैश होने लगती है तो जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म सबके सब, सब भरना शुरू कर दो और फॉर्म को बहुत ध्यान से बना फिर भी रिपीट कर करियो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा अरे अब तो करेक्शन करना पड़ेगा नहीं क्या बहुत टाइम है तुम्हारे पास घोटी करने के लिए पहला ही चेक कर लो नेम उसमें तुम्हारा ई मेल आईडी तुम्हारे पासवर्ड क्या है तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर क्या है तुम्हारा ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे तुम्हारा पेमेंट मोड क्या रहेगा सब चीजें रेडी रख के पेपर देना उसमें ना तुमको फोटो भी लगानी रहेगी तो अपनी पासपोर्ट साइज साइज फोटो जो है वो रख लेना 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 और उसको को छोटा कर लेना, कर कंप्रेस ठीक है ऑनलाइन अब कंप्रेस कैसे करते हैं गूगल पे जाओगे उस उसमें लिखना जेपीजी कंप्रेसर या फोटो कंप्रेसर तो आपकी फोटो का साइज वो कम करके दे देगा ताकि आप उस पर अपलोड कर सको सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे तो ये सब चीजें रेडी रखना एक ही लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में भरा है उसी में पेपर आएगा हमारे हर बार दो सौ प्लस जा रहा है मैम देखो बेटा कुछ कुछ सब्जेक्ट जो है ना उसके अंदर ना कॉम्पिटिशन ज्यादा है जैसे कॉमर्स हिस्ट्री इनके अंदर कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो जिसके अंदर ऑब्वियसली ज्यादा होगा तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी सिंपल सी बात है

तो अगर इंग्लिश में मुझे सवाल नहीं समझ आता तो मैं इस पर ट्रांसलेट करती तो, तो हिंदी में आ जाता था हिंदी में नहीं समझ आ रहा ट्रांसलेट पर क्लिक किया इंग्लिश में आ गया और अब क्योंकि ऑफलाइन हो रहा है तो वो एक ही पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे हुए होंगे साइड बाई साइड तो आपको लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं होगी आप इंग्लिश आराम से भर दो या जो भी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है वो आप भर दो कोई दिक्कत नहीं है पेपर वन में पेपर वन सबका सेम हाँ इस बार जहाँ तक है सबका सेम ही होना चाहिए बिकॉज ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो आई थिंक सबका सेम ही पेपर होना चाहिए

और मेरी कोई जगदीश जी के साथ मेरी कोई पर्सनल अप्रोच है नहीं तो जब मैं ऐसा सब पता कर लूँ हम सब अभी सिर्फ स्पेक्यूलेशन लगा रहे हैं पुराने जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी पे हम खेल रहे हैं ठीक है एक चीज हमको पता है कि हमको जे आर एफ क्लियर करना है और हमको फॉर्म अच्छे से भरना है दैट्स इट और पढ़ाई अच्छे से करनी है इसके अलावा बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है हमको कोई मतलब नहीं है भाई अब सेट सेम आए अलग आए आपको क्या फ़र्क पड़ेगा पेपर तो देना ही है

तो इसलिए तो बोल रही हूँ फॉर्म अच्छे से भरो तैयारी बहुत अच्छे से करो ठीक है और एग्जाम की जो डेट है उस दिन अपनी सारी सामग्री लेके वहां पहुंचो ये जो बच्चे ना करते हैं लास्ट टाइम पे आईडी वाईडी ये सब भूल जाएंगे तो ये अपनी तरफ से जो आप कर सकते हो वो आपको सब कुछ परफेक्ट करना है बाकी सब जगदीश जी के हाथ में छोड़ दो मैम नेशनल फेलोशिप क्या ऑप्शन है क्या अब बार

जहां पे भी आओगे हम तो भाई पूरा अपना हंड्रेड परसेंट देके ही आपको पढ़ाएंगे यूट्यूब पे भी उतना ही दे रहे हैं एक पे भी देंगे उससे अच्छा और क्रैश कोर्स पे भी देंगे हमारा जहाँ पे ज्यादा कंट्रोल है हम वहां ज्यादा अच्छी से चीजें कर सकते हैं ठीक है बेटा पीवाई क्यू मैंने हर क्लास में करवा रखे हैं ऐसा नहीं है कि पीवा क्यू के लिए हम अलग से कोई सीरीज चालू करेंगे नहीं क्योंकि पीवाई क्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो हर एक टॉपिक के साथ आप पीवाई क्यू लगाते जाओ मेरी जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी हर एक टॉपिक में हमने पीवा लगाए हैं ठीक है तो आप टॉपिक वाइज देखते जाओ और उनके पीवाई क्यू सॉल्व करते जाओ और बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह देखनी है अगर आपको तो आप अगेन एक लंबे बैच पे आ सकते हो वहां पे आपको सारी अवेलेबल है यस यस सचिन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो ओके okay. तो आज के लिए इतना ही आई होप आप सबके जो डाउट्स थे एग्जाम को लेके वो मैंने अच्छे से क्लियर कर दिए हैं कोई और डाउट रह जाता है तो कोई बात नहीं नेक्स्ट क्लास में कल भी हम मिलेंगे तब डाल दीजिएगा और मिलते हैं क्रैश कोर्स में क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है क्रैश कोर्स में आएंगे ही क्योंकि हम सबको निकालना है जे आर एफ ठीक है चलिए ओके थैंक यू एवरीवन हरे कृष्णा